हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में उधार के बारे में। उधार, ठीक है, जिसकी एंट्री कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं, इसके लिए एक वीडियो मैं पहले भी क्रिएट कर चुका हूं और ये वीडियो और भी ज्यादा बेहतरी के लिए है, और भी ज्यादा बेहतर आपका अनुभव हो जाएगा इस मामले में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं शुरू से आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लें। यहां से ओपन कर लिया, नाम से हमारे पास एक कंपनी है, लेकिन हम यहां पे दूसरी कंपनी क्रिएट करेंगे। आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F3, यहां ऑल्ट के साथ F3 प्रेस कर लीजिए और यहां पर क्रिएट कंपनी दिख रही है, आप यहां से सी प्रेस कीजिए। तो जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कंपनी क्रिएशन वाली विंडो में। अब यहां पर हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम यहां पर क्रेडिट कंपनी के नाम से ही कंपनी बना लेते हैं। हमें उधार वाली एंट्री की बात करनी है तो यहां क्रेडिट कंपनी हो गया, यहां पर एड्रेस आ जाएगा आपका, ये आ गया एड्रेस, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहां पर कंट्री आ जाएगी और यहां स्टेट आ जाएगा, तो यूपी कर देता हूं मैं, यहां से यूपी चूज कर लीजिए। एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर फोन नंबर वगैरह आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह हो तो वो दे सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं करवा रहा हूं एक्सेप्ट। तो ये हमने एक्सेप्ट करवा लिया, हमारे पास एक कंपनी बन करके तैयार हो गई, ठीक है, लाकर के एक कंपनी दिख रही है क्रेडिट कंपनी के नाम से। अब इसमें एंट्री करेंगे हम, कैसे कैसे करेंगे, पहले कंपनी में हम पूरी जो एंट्री है उसको पहले हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है और यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, ठीक है, और यहां पर कैपिटल अकाउंट आपको टाइप करना है। यहां पर लिखिए कैपिटल अकाउंट, लिख दिया, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए और यहां आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टीडीएस हमें ये नहीं करना है और यस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब मान लीजिए कितनी पूंजी आप निवेश कर रहे हैं अपने कंपनी में, 6 लाख रुपए, ठीक है, और ये कैश के रूप में निवेश कर रहे हैं। एंटरप्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो ये हमारी कंपनी में कैश अवेलेबल हो गया। अब एंटरप्रेस करिए, अब यहां पर हमको सामानों को परचेज करना है तो परचेज अकाउंट में चलेंगे, F9 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर आएगा पार्टी का नेम। अब देखिए पार्टी दो प्रकार की होती है, जो परचेज वाली पार्टी होती है, ठीक है, जो माल आपको सेल करते हैं यानी सप्लाई करते हैं, वो सप्लायर जो है क्रेडिटर पार्टी होता है, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का नाम हम दे देते हैं मोहन। मोहन जो है हमारा क्रेडिटर पार्टी है, क्या है, क्रेडिटर पार्टी, तो क्रेडिटर पार्टी का नाम है मोहन। और जो हमारा डेटर पार्टी होगा उसका नाम है सोहन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये मोहन हमारी पार्टी है, ये जो है क्रेडिटर पार्टी है, और क्रेडिटर पार्टी का मतलब है कि ये हमारे होलसेल सप्लायर है, क्या है, होलसेल सप्लायर है, ठीक है। तो ये होलसेल सप्लायर है, यहां मैं लिख भी देता हूं होलसेल सप्लायर, ठीक है। एंटरप्रेस किया हमने और ये जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, एस प्रेस कीजिए, साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, आपको सन्ड्री क्रेडिटर यहां कर देना इंटरफेस करते हुए और इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। यहां पर एड्रेस भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट करा लिया मैंने, यहां पर एड्रेस डाल सकते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं न्यू कॉलोनी, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं जहां के भी ये हो, देवरिया, ये कर दिया हमने, इंटरफेस किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए। कभी कभी दिक्कत ये होती है कि चीज ठीक से काम नहीं करती है, तो हम ये अल्ट के साथ सी जब दबाते हैं तो हम क्रिएट नहीं कर पाते, शॉर्टकट की का यूज नहीं कर पाते, तो प्रॉपरली की वर्क करे ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ परचेज अकाउंट पी प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको परचेज अकाउंट शो हो जाएगा, इंटरप्रेस कीजिए और यहां पर अगर राउंडिंग चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां तक हम आ चुके हैं। अब यहां पर ये क्या क्या परचेज कर रहे हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट क्रिएशन कर देते हैं। मैं यहां पे करता हूं कीबोर्ड, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब यहां पे यूनिट बना लीजिए, तो यहां आईटीएम आइटम कर देता हूं और यहां पे फॉर्मल नेम आइटम हो जाएगा और यहां पे जीरो ही रहेगा, एंटरप्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के 500 कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं और एक कीबोर्ड की कीमत हमको पड़ रही है 70 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये 500 कीबोर्ड हमने परचेज किया। अब हम माउस परचेज करेंगे तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, लिखिए MOUSE माउस, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और यहां पर आइटम ही रहने देता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं और यहां पर 100 माउस हम परचेज कर रहे हैं और एक माउस की कीमत पड़ रही है हमको 60 रुपए
और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे न्यू रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 555 नंबर का बिल है, ये बात आप ध्यान रखें। एंटर प्रेस करता हूं, नरेशन नहीं देता मैं इसमें। तो ये दोनों सामान हमने परचेज कर लिया, अब हम इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, परचेज जो किया उसका बिल हमें पेमेंट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो F5 प्रेस करते हैं, चलते हैं पेमेंट वाउचर में। अब इसी का बिल हमें पेमेंट करना है, देख सकते हैं 41,000 रुपए शो कर रहा है, तो आप यहां पे 41,000 रुपए डाल दीजिए। ये डाल दिया हमने। अब ये अगेंस्ट रेफरेंस जाएगा, ये देख सकते हैं यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, तो यहां पे अगेंस्ट। और ये 555 नंबर का बिल भी शो हो रहा है जो अभी आपको दिख रहा था। एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर आ जाइए। अब यहां क्रेडिट में क्या करेंगे, यहां पर हम कैश दे रहे हैं तो यहां पे कैश कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए।